को तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। तस्वीर ये देखिए, गेट खुल गया है, ये सामने तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को लेकर टीम निकल रही है। ये देखिए एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी भी निकली, और ये देखिए अरविंद केजरीवाल निकल रहे हैं, तीसरी गाड़ी निकली, चौथी गाड़ी भी आप देख रहे हैं, पांचवी गाड़ी भी निकली है, छह गाड़ियां देखिए, छह गाड़ियां निकल चुकी हैं, सातवीं गाड़ी भी इस वक्त निकल रही है, और आठ गाड़ियां निकली हैं इस वक्त तक की तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं। आठ गाड़ियां कम से कम निकली हैं, इससे बड़ा यह काफिला है, लंबा चौड़ा यह काफिला है, कई गाड़ियां पहले अंदर गई थी और अब दरवाजा खुला है। जानकारी यह है कि टीम निकल गई है। नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और ये देखिए दिल्ली पुलिस की एक बस भी साथ साथ चल रही है। जरा नीरज डिटेल बताइए, लगभग 10 से 11 गाड़ियां साथ में निकली हैं। पूरी जानकारी, ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर के निकल चुकी है, और उसी के साथ में जो रूट बनाया गया है, और वो जो रूट बनाया गया उस रूट से लेकर के निकली है ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को, और उसी के साथ करीब 18 से 20 मिनट का जो समय है लगेगा। पुलिस के अधिकारी है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी की टीम जो है उनके घर से लेकर के निकल चुकी है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में निकली है, और इसी के साथ ये जो पूरा रूट आप देख रहे हैं इसको भी खाली करवाया गया है। ये हो सकता लेकर के जी ठीक है। नीरज आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से वो तस्वीरें हम सामने लेकर आए जब ये दरवाजा खुलता है और कई गाड़ियां एक के बाद एक, एक बड़ा काफिला, लगभग 10 से 12 गाड़ियां तो हमने काउंट की हैं, इससे भी ज्यादा ये गाड़ियां हैं। दिल्ली पुलिस की एक सिक्योरिटी वैन भी उसके साथ चल रही है, और ये देखिए हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर मौजूद